नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पहले बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला और उसके बाद बुधवार सुबह इराक में मौजूद दो अमेरिकी दूतावासों पर हमले के बाद ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत मान लिया है, जिस पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने देश को संबोधित किया। हमले को अपनी बड़ी सफलता करार देते हुए खामनेई ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ हमने हमेशा संघर्ष किया, हमला सफल रहा और हमने अमेरिका के घमंड पर तमाचा जड़ा है। ईश्वर का नाम लेते हुए खामनेई ने कहा कि आज अमेरिकी बेस पर ईरान के बहादुर और साहसी सैनिकों ने सफल आक्रमण किया। हमारा संघर्ष लगातार जारी है और हम शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट रहे हैं। ईरान कभी कमजोर पड़ने वाला नहीं है और ना ही हार मानने वाला है। ईरान के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद सुलेमानी के भी योगदान को खामनेई ने याद किया। कहते हैं वो एक महान साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उनके चेहरे की तरफ आप देखें, उन्होंने हमेशा ईरान के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत थे और महान देशभक्त भी, उनकी पवित्र आत्मा के हम कर्जदार हैं। खामनेई ने आक्रोशित होकर कहा कि हमारे बारे में विश्व में कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, हम हार नहीं मानने वाले हैं और यहाँ रुकने भी नहीं वाले हैं। हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे और अपने दुश्मनों को मटिया मेट कर देंगे। बस खामनेई का इतना कहना था कि वहां मौजूद लोगों ने अमेरिका की मौत का नारा लगा दिया। खामनेई ने कहा कि अमेरिका बेस पर हमला कर आज हमने उनके घमंड को तमाचा जड़ा है। इसके बाद अमेरिका पर हमले की बात को आगे बढ़ाते हुए और इतने में ही अपनी जीत नहीं मानने वाले खामनेई ने कहा कि अमेरिका बेस पर हमला काफी नहीं है, सिर्फ सैन्य हमला काफी नहीं है, हमें अपने दुश्मनों को काबू में लाने के लिए तरकीब से काम लेना होगा। अमेरिका हमारा दुश्मन है और हमें दुश्मन की योजना के बारे में पता होना चाहिए। तो खामनेई ने जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ जहर उगला है उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ईरान में अमेरिका के खिलाफ कितना गुस्सा है। और खामनेई के बयान से यह भी साफ है कि ईरान इतने में ही मानने वाला नहीं है। सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अब ईरान की तरफ से अमेरिका को और सबक सिखाया जाना बाकी है। अब इस पर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखने वाली बात होगी।